तीन टॉप अर्थव्यवस्था हैं उसमें भारत का नाम? सबसे पहले तो दो उसमें मेरे ऑब्जेक्शंस हैं. सबसे पहले तो थर्ड टर्म किस हिसाब से बोल रहे हैं? अभी अभी लड़ाई जनता के बीच जाएगी, जनता डिसाइड करेगी. या तो ईवीएम की सेटिंग हो चुकी है, इस जिस कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में कहूँगी कहा उन्होंने कहा है, पर साथ ही साथ $3 trillion इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं और थर्ड नंबर थर्ड प्लेस पे $3 trillion इकोनॉमी, ये कहा है? प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला है कि हमारा जो थर्ड टर्म आएगा एनडीए का, उसमें जो भारत है वो विश्व की तीन टॉप अर्थव्यवस्थाओं में आ जाएगा. जब पहला टर्म था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से कहा था कि वो भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, वो महिलाओं पे वार ख़त्म करेंगे, महंगाई की मार से जनता को राहत देंगे और एक 15 लाख हर बैंक अकाउंट में होगा, काला धन वापस आएगा. और फिर कुछ दिन बाद जीतते ही अमित शाह जी ने कह दिया, वो तो सब इलेक्शन जुमला है, चुनावी जुमला कहा था. सेकेंड टर्म में भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे पर सबके साथ वादा खिलाफी हुई. आप मन की बात करते रहते हैं, जन की बात हो नहीं रही है. आज भी वही महंगाई की मार है, वही पेट्रोल डीजल के दामों की जो आप बात करते थे वो आज आसमान छू रहे हैं. आप गैस सिलेंडर के प्राइसेस की बात करते थे, मोर्चा होता था, मोर्चाबंदी होती थी, आज वो भी आसमान छू रहे हैं वो दाम. टमाटर, प्याज, दालें, तेल, सब तरीके से एक आम आदमी के ज़िंदगी में इतनी महंगाई की चोट पहुंची है पर आपके किसी तरीके से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है. और थर्ड टर्म किस हिसाब से कह रहे हैं, 2024 में जनता निर्णय लेगी. और जनता ने आपके 9 साल देखे हैं किस तरीके से आपने जुमलेबाजी की है, हवाबाजी की है, सिर्फ मन की बात की है, जन की बात नहीं की है. तो ये आने वाला समय बताएगा. पर हाँ, ये बात निश्चित है कि आज जो इंडिया जिस स्थिति पर है उसमें सिर्फ 2014 से परिणाम नहीं आए हैं, 1947 से हमारे सभी के नेतृत्व में, उसमें आप अटल बिहारी वाजपेयी जी ले लीजिए, आप उसमें सारे देश के प्रधानमंत्री ले लीजिए, इंद्र कुमार गुजराल हो, एच डी देवेगौड़ा हो, नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सबका उसमें योगदान रहा है. तो ये जो आज इंडिया को की जो मैं मानती हूँ सम्मान विदेश में मिल रहा है वो उसी कड़ी मेहनत का आज वो एक फल है, परिणाम है. तो प्रधानमंत्री जी जो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं करते रहे. तो मैम, सवाल ये है कि अमित शाह जी ने जो है खड़गे साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, कॉपरेट करने के लिए बोला था पार्लियामेंट में, इस पर जवाब देते हुए खड़गे साहब ने भी एक चिट्ठी लिखी है, बोला है कि शब्द अलग हैं और काम अलग. नहीं, जिस तरीके से कथनी और करनी में अंतर दिखता है वो पार्लियामेंट जैसे ही शुरू होती है दोनों चैम्बर्स में दिखता है कि आज देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सम्मान ना करते हुए, अपने आप को पार्लियामेंट से ऊपर समझते हुए पार्लियामेंट में आ ही नहीं रहे हैं. आज दुनिया के किसी कोने में जहाँ डेमोक्रेसी का मॉडल है, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट है हु इज़ नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट? तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं हो रही है, ना चर्चा होने दे रहे हैं मणिपुर पे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहते हैं, विस्तार से चर्चा नहीं चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है. इसीलिए हम सभी इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं सभी का ये मानना है कि कथनी और करनी में अंतर है और सही मायने में चर्चा तब हो सकती है, व्यापक चर्चा तब हो सकती है जब खुद प्रधानमंत्री आकर सदन में जवाब दें. ओपोजिशन आज काले कपड़े भी पहने. जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट डे है हमारा, सस्पेंशन करना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एलओपी का वो डिसरिस्पेक्ट करना. आप किसी तरीके से ऑपोजिशन को जो मांग कर रहा है प्रधानमंत्री के को लेकर उसका आप किसी तरीके से संज्ञान नहीं लेना. पार्लियामेंट्री लॉक जैम की अगर लॉक जैम होता है तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि किसी तरीके का रेजोल्यूशन पता करें, पर उसमें भी किसी तरीके की बातचीत नहीं हो रही है. तो इसीलिए हमने सबने आज काला दिन है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी. इसके अलावा नाम सवाल ही करप्शन के कई चार्जेस लग रहे हैं. बीजेपी ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है, बोला है कि 5600 करोड़ का घोटाला हुआ है, 3 घोटाले. देखिए, वहाँ के गवर्नर भी वैसे ही सुपर एक्टिव रोल में हैं जिस तरीके से सारे नॉन बीजेपी राज्यों में हैं. और भारतीय जनता पार्टी आरोप इस बुनियाद पे लगा रही है क्योंकि अभी उन्होंने ईडी, आईटी, सीबीआई सबको अपने काबू में किया हुआ है. सेंट्रल एजेंसीज अब इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनको अंडरमाइन किया गया है और सिर्फ ऑपोजिशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन है, पॉलिटिक्स से प्रभावित है और इसका किसी भी तरीके से मैं मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी को खास करके तमिलनाडु में कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि तमिलनाडु की जनता अपनी सरकार के साथ है. एक साल पर है, वहाँ पर विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया था महिला अत्याचारों के ऊपर, उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, इसको किस तरह से देख रहे हैं?
नहीं देखिए, जैसे अभी आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं और आप असेंबलीज में देख रहे हैं कि क्या वो मुद्दे पे काम हुआ नहीं हुआ, क्या कानून व्यवस्था अपने अंतर्गत जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है या राज्य सरकारों के अंतर्गत है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड मोशन है उनका तो वो खारिज किया ही जाएगा, और अगर व्यापक चर्चा करनी है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। हम झारखंड में भी लॉ एंड ऑर्डर सीपीआई नेता की गोली मार, भैया भारतीय जनता पार्टी के कोई भी शासित राज्यों में दिक्कत नहीं है ये इस तरीके से नॉन बीजेपी स्टेट्स को लेकर टारगेट करना, लॉ एंड ऑर्डर की बात करना, पर मणिपुर पे चुप्पी बांधे रखना। 80 दिन से ज़्यादा हिंसा चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री मौन व्रत किए बैठे हैं, और प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँगी, प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही राज्य के मुखिया हैं या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के प्राइम मिनिस्टर हैं कि सारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो इस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते हैं, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकें, मध्य प्रदेश हो उनका, मणिपुर हो, नॉर्थ ईस्ट के बाकी सारे स्टेट्स हो, आप उसमें देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।